सो रिसेंटली रेलवे ने अपना फरमान जारी कर दिया है कि 10 अप्रैल 2021 से अजमेर शताब्दी को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाया जाएगा। लेकिन क्या ये ट्रेन पूरी तरीके से एंड टू एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलने को तैयार है? अगर आपको पता हो तो अजमेर शताब्दी जो है वो एक्चुअल में नई दिल्ली से लेके दुरई तक चलाई जाती है। और आपको ये भी पता होगा कि अजमेर से लेके दुरई का जो सेक्शन है वो अभी तक पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाइड नहीं है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, जानेंगे दुरई स्टेशन के इलेक्ट्रिफिकेशन स्टेटस के बारे में, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अजमेर से दुरई के बीच कितना इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो का सारा श्रेय जाता है राहुल महावर जी को। उन्होंने बहुत सारी हेल्प करी है दुरई जंक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन की अपडेट आप लोगों तक पहुँचाने में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल, और हो सके तो आप एक बार जरूर इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाके विजिट कर सकते हैं, इनके पेज पे जाके इनको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी रेलवे से रिलेटेड पोस्ट देखने को मिलने वाली हैं अजमेर जंक्शन और उसके आसपास के एरियाज़ की। और एक बार फिर से धन्यवाद बोलना चाहूँगा मैं राहुल महावर जी को, इनकी वजह से ही आज तक हमको दुरई जंक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन की अपडेट हम तक पहुँच पाए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे इस वीडियो को, और बता दूँ मैं आपको 26 जनवरी के बाद 2 महीनों में अभी कितना काम हो चुका है दुरई जंक्शन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है दुरई स्टेशन, और 26 जनवरी को मैंने आपको अपडेट दी थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रॉपर पोल्स नहीं लगाए गए थे उस टाइम तक, और वायरिंग का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। और अभी आप यहाँ पे 2 महीने बाद देख सकते हैं दुरई जंक्शन को, सॉरी दुरई स्टेशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे तो आप इसको जंक्शन ही बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मदार जंक्शन के लिए बाईपास लाइन जाती है, तो जंक्शन भी बोल सकते हैं इसको, स्टेशन भी बोल सकते हैं। एनीवेज, आप यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रॉपर जो वायरिंग का काम हो चुका है और पोल्स की नंबरिंग भी कर दी गई है, उसके साथ ही साथ पोल्स की जो ग्राउंडिंग का काम होता है वो भी हो चुका है यहाँ पे। इन शॉर्ट दुरई स्टेशन का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी पूरा हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि आगे यहाँ पे कोई भी काम अभी बचा हुआ है। वैसे दुरई स्टेशन पर वायरिंग का काम शुरू हुआ था मिड ऑफ फरवरी मंथ में, और अभी मार्च के मंथ में यहाँ पर वायरिंग का काम कम्प्लीट हो चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ से दूसरी वीडियो दुरई स्टेशन की, यहाँ पर भी वायरिंग का काम कम्प्लीट हो चुका है। और अब बात करूँ मैं अगर आपसे अजमेर दुरई के बीच के इलेक्ट्रिफिकेशन के वर्क की, तो अजमेर जंक्शन के बाद एक जगह आती है कैरिज वर्कशॉप करके, और कैरिज वर्कशॉप से लेके एक सुभाष नगर का फाटक आता है जहाँ पे आप रेड लाइन देख सकते हैं। तो ये रेड लाइन जहाँ पे मैंने बनाई है, इस बीच अभी 3 किलोमीटर का कुछ सेक्शन है और यहाँ पर अभी तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं हुआ है। जैसा कि आप अभी इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है सुभाष नगर की रेलवे क्रॉसिंग, और आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं इधर अभी तक कोई भी पोल नहीं लगाया गया है, और ना ही यहाँ पे कोई पोल्स के लिए गड्ढे की खुदाई करी गई है। और इसके आगे आप देखने वाले हैं वो जो मैं कैरिज वर्कशॉप का नाम ले रहा था वो, तो आपको जो पीछे की तरफ सिग्नल के पीछे नीले कलर की रूफ दिख रही है, टीन शेड दिख रहे हैं, वो है कैरिज वर्कशॉप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर भी ना तो पोल्स के लिए खुदाई की गई है, गड्ढे खोदे गए हैं, और ना ही यहाँ पे पोल्स लगाए गए हैं। अब मैं बात करूँ अगर आपसे मदार दुरई बाईपास लाइन की, जो कि अजमेर से बाईपास होकर जाती है, तो वहाँ पे 2 लाइनें जाती है, एक तो मेन इंडियन रेलवे की और एक WDFC की। तो जो WDFC की दोनों लाइनें हैं वहाँ पे अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, लेकिन जो मदार से दुरई की तरफ अजमेर बाईपास होते हुए लाइन आती है इंडियन रेलवे की, जहाँ पे पैसेंजर ट्रेन चला करती है, वहाँ पे अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं चालू हुआ है, ना ही वहाँ पे कोई पोल्स लगाए गए हैं। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं ऊपर की तरफ जो लाइन है वो मेन लाइन है IR की, और नीचे वाली जो है WDFC की लाइन है, और ऊपर वाली लाइन पर अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं हुआ है, ना ही वहाँ पर कोई पोल्स लगाए गए हैं, और ना ही वायरिंग का काम हुआ है। तो फिलहाल अभी यही देखना है कि WDFC का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कब कंप्लीट हो पाता है अजमेर बाईपास रूट पे, क्योंकि जल्दी यहाँ पे CRS होने वाला है किशनगढ़ से लेके ब्यावर के बीच में, जल्दी यहाँ पे स्पीड ट्रायल लिया जाएगा। और बात करें अगर अजमेर शताब्दी के सॉल्यूशन की, तो मुझे लगता है कि उसको या तो अजमेर जंक्शन पर ही टर्मिनेट कर दिया जाएगा, दुरई उसको नहीं ले जाया जाएगा, या फिर अगर दुरई लेकर जाते हैं तो उसका लोको चेंज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक से उसको डीजल अटैच करना पड़ेगा, और फिर वो दुरई स्टेशन तक जा सकती है। लेकिन इसमें टाइम का बहुत वेस्टेज होने वाला है, क्योंकि दुरई से जब वो वापस अजमेर आएगी तो वापस उसका लोको चेंज एंड ऑल दैट प्रोसेस, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्टेज हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जोर से लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में आप अपना कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।